तो शिवपाल यादव की कब कब सुरक्षा बदली है यह भी जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था में उनकी बदलाव किया गया है। मार्च 2017 में शिवपाल से जेड श्रेणी की सुरक्षा वापस ली गई है। मार्च 2017 की बात आपको बता रहे, शिवपाल की जेड सुरक्षा को कम कर वाई किया गया। मई 2017 में ही दोबारा से शिवपाल को वापस जेड सुरक्षा मिल गई। सीएम योगी से संक्षिप्त मुलाकात के बाद सरकार ने यह फैसला लिया। सपा से अलग होने पर शिवपाल ने खुद को खतरा बताया था, तो ये तमाम बातें शिवपाल यादव की तरफ से कही गई थी। और ऐसे में उनकी सुरक्षा घेरे में समय समय पर बदलाव किया गया। ये भी समझ लीजिए कि सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो सिक्योरिटीज में कितनी कैटेगरीज होती हैं। पीएम और उनके परिवार वालों को सिक्योरिटी दी जाती है एसपीजी, पूर्व पीएम के लिए ये 6 महीने तक रहती है। विशेष प्रावधान के तहत गांधी परिवार को मिली है जेड प्लस सिक्योरिटी, इसमें 36 जवानों को तैनात किया जाता है। जेड प्लस की जब बात करते हैं तो 36 जवान तैनात किए जाते हैं सुरक्षा के लिए, इनमें 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो अफसर होते हैं। अब जब जेड सुरक्षा की हम बात करते हैं तो ये हमने आपको जेड प्लस की बताई कि जेड प्लस में क्या होता है। जेड में सुरक्षा में 22 जवानों की तैनाती होती है, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, पुलिस के जवानों की तैनाती की जाती है। 5 एनएसजी कमांडो भी तैनात होते हैं। तो ये जेड के बारे में हमने आपको बताया। वाई सुरक्षा श्रेणी के बारे में भी जान लीजिए। इस सुरक्षा श्रेणी में 11 जवानों की तैनाती होती है, 1 या 2 एनएसजी कमांडो की सुरक्षा में तैनात होते हैं। एक्स की जब हम बात करते हैं तो कैटेगरी में 2 जवान रहते हैं, आमतौर पर स्टेट पुलिस के जवानों की तैनाती होती है। तो इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की बकायदा पूरी कैटेगरीज रहती हैं, जो यहां पर हम आपको बता रहे हैं एक्स से लेकर जेड प्लस तक में। और चलिए इसी